हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, लेकर आ चुके हैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक वेरी इंटरेस्टिंग यूनिक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट इंटरेस्टिंग यूनिक वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। वीडियो को लाइक करके जाना जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार चैनल पर हो। तो क्या है आज की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो, जाने के वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, अब चलाइए एक ही व्हाट्सएप पर दो दो नंबर, यानी कि एक व्हाट्सएप और दो अकाउंट, कैसे करना है सब कुछ जाने के आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं अपने व्हाट्सएप पर किस तरीके से हम लोग ओपन ऐड अकाउंट कर सकते हैं। और दोस्तों यही नहीं, आप लोग अब आपको आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन होगी कि किस तरीके से हम दो दो अकाउंट को चला सकते हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में फेसबुक में स्विच अकाउंट का ऑप्शन रहता है, वैसे ही व्हाट्सएप ने भी स्विच अकाउंट का ऑप्शन दे दिया है। किस तरीके से आपको पूरा मैनेज करना है हम आज की इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना देरी के बाद चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। ओपन करते हैं अपने व्हाट्सएप को। मैं अपने WhatsApp पे करूंगा। WhatsApp पे चलेंगे। और दोस्तों आपको WhatsApp को पहले अपडेट कर लेना है। अब आपको जैसे कि आप लोग जानते हैं WhatsApp को अपडेट करने के बाद सेटिंग्स का ऑप्शन बाहर ही आ चुका है, तो हम अब सेटिंग्स पर चलेंगे। सेटिंग पर जाकर क्लिक करेंगे। तो मैं हूँ ये सर्च, ये मैं हूँ QR कोड संदीप, तो मेरा नाम ओके, मेरा अबाउट है अब आपको चलना है अकाउंट में, क्लिक करेंगे account. यहाँ पे अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा account, secure, change number, request account, add account, क्लिक करेंगे add account को। सिंपली हम लोग यहाँ पे यहाँ से हमें add account करना है। Brad Campbell, Sandy Bottom, expanded, अब ये क्या कर रहे देखते हैं। expanded, Brad Campbell, button, Sandy Bottom plus 91,95,574,33,027 username and phone number of currently selected account. ठीक है, अभी currently मेरा ये select है। add account button, let user create an additional account, appears after already existing account. ठीक है, अगर कोई पुराना अकाउंट है यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। Stop recording. Stop recording. Add account button. Let's user create an additional account. Appears after already existing account. Window Brad Campbell. चलिए हम अपने इस अकाउंट पे क्लिक ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं अपने। WhatsApp. WhatsApp. Read our privacy policy. तो देखा आपने किस तरीके से नॉर्मल जो व्हाट्सएप का इंटरफेस आता है, इस तरीके से पूरा का पूरा इंटरफेस आ चुका है। Terms of service. English. Agree and continue क्लिक कर देंगे ऐसे। WhatsApp. Edit. Phone number. Edit box. Showing title keyboard. यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर अपना एंटर करना होगा। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, ठीक है? Text. Button. Carrier short. 2 minutes. Clip. Stop recording. Image. और यहाँ पे हम सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर को करेंगे, उसके बाद में ओटीपी दे देंगे यहाँ से, ठीक है? ओटीपी देने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम पूरा आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको मैनेज करना है। Stop recording. Image. ठीक है? No. 3 minutes. Not deleted. 3 minutes. Stop recording. तो गाइस, मैंने अपने यहाँ पे अपने फाइनली मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है, ठीक है? Next. Carrier charges may apply. Editing. 7-8-9-4-2-2-5-5-7. Next. ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। एक
सात और सात आठ नौ चार प्लस साइन इक्यानवे नेक्स्ट करता हूँ मैं ओके पे क्लिक करेंगे सिंपली हमारे पास ओटीपी आ चुका है मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के आता हूँ गाइस हम अपना ओटीपी डालते हैं यहाँ पे तो अभी हमारा फाइनली यहाँ पे अकाउंट जो ओपन हो चुका है looking for backup close. More options stop recording 40 seconds close more options spoken language accessibility decrease skip if you previously backed up the Google Drive with one skip मैं इसको skip कर दूंगा WhatsApp if you look restore from backup no backup transfer from old phone continue button तो अभी हमें यहाँ पे यहाँ से continue transfer from old phone move complete account history to a new phone requires Wi-Fi and access to your old phone ओल्ड फोन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं कंटिन्यू स्किप तो अभी हमको भी यहां से मतलब ट्रांसफर फ्रॉम ओल्ड फोन मूव कंप्लीट अकाउंट हिस्ट्री टू अ न्यू फोन रिक्वायर्स वाईफाई एंड एक्सेस टू योर ओल्ड फोन कंटिन्यू स्किप करता हूं इसको भी मैं स्किप रिस्टोर योर मैसेजेस एंड वीडियो यू वांट स्किप स्टॉप इट स्किप कर देते हैं आपको कोई इशू आएगा तो कमेंट करना आपके लिए वीडियो बन जाएगी वेल कैरेक्टर्स रिमेनिंग शो इंग्लिश प्रोफाइल एडिट सेंड टू क्रिस्टा वेल मैं अपना नाम यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ By default ये आपकी ईमेल का नाम फाइंड कर लेगा तो चलिए अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ अभी मेरा ऐड अकाउंट हो रहा है Stop recording. आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब मैं ये अकाउंट बना रहा था तो मेरा मैसेज फिर भी आ रहा था ठीक है दूसरे पर से मेरा मैसेज चल ही रहे थे फिर भी है ना सर्च तो अभी मेरा जो है ये अकाउंट मेरा ये आ चुका है ठीक है तो अभी मुझे अकाउंट को स्विच करना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे क्लिक करूंगा सेटिंग्स पर तो फाइनली जैसे कि अकाउंट तो हमारा फाइनली सक्सेसफुली ऐड हो चुका है अब हम करेंगे अकाउंट को स्विच ओके संदीप ये मेरा अकाउंट अभी ये स्विच है नंबर है मेरा चलेंगे अकाउंट्स में अकाउंट में रिमूव अकाउंट डिलीट अकाउंट स्टॉप रिकॉर्डिंग 3 मिनट्स रिमूव रिक्वेस्ट अकाउंट चेंज नंबर तो टू स्टेप वेरिफिकेशन तो जैसे कि अभी हमने देखा रिमूव अकाउंट आ रहा है कि यहां से डिलीट अकाउंट आ रहा है तो अभी लाइक मुझे ये नंबर चलाना है यहाँ पे ये यहाँ से मुझे चलाना है तो मतलब क्या मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा तो रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है तो ऐड और रिमूव अकाउंट तो क्या अगर हमने मतलब अगर हमने यहाँ से इस अकाउंट को रिमूव कर दिया
तो क्या हम इस व्हाट्सएप को चला पाएंगे या फिर हमें फिर से इसको लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। तो अभी ये भी कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन भी हम आपकी दूर कर देते हैं। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे अकाउंट में स्विच करने की। तो देखा हमने जहाँ पे अकाउंट को ऐड किया था वहाँ तो कहीं से कहीं तक भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या जहाँ पे आपका यू, जहाँ पे यू दिखा रहा है क्यू आर कोड संदीप। अब उसके बाद मेरा नाम शो कर रहा है, तो सिंपली हमें क्या करना है, यहीं पे क्लिक करना है। ड्रैग एंड हो गया। अब ये देखिए क्या कहेगा, ठीक है, फोन नंबर और यूजर नेम करेंटली सिलेक्टेड, ठीक है। और नेक्स्ट है नोट करेंटली सिलेक्टेड। तो अभी हमें स्विच करने के लिए सिंपली क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है और अकाउंट को स्विच कर लेना। तो मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी मेरा देखते हैं क्या नाम आ रहा है यहाँ पे। तो अभी मेरे को ये सेटिंग से बाहर लिया है। तो अभी ये मुझे देखिए यहाँ पे बाहर लिया है। तो अभी मैं अपने और अपने ऑफिशियल अकाउंट पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो तो अभी मुझे ये अकाउंट मिल गया। अब मैं वापस से अपने अकाउंट को स्विच करता हूँ एक बार, जो दूसरा अकाउंट है उसको मैं स्विच कर लेता हूँ एक बार फिर से, और देखता हूँ कि क्या होता है। और आपकी फिर से और आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर करनी है मुझे, ठीक है। तो वो भी आप बने रहना वीडियो में। संदीप गौतम यहाँ पे नाम शो करा, क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, इसलिए मैंने अपना नाम यहाँ पे डिफरेंट रखा था, एक में संदीप और एक में संदीप गौतम। ओके एक मिनट, मैं चेक करता कि व्हाट्सएप की तरफ से कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ रही है। तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, संदीप गौतम मतलब अभी देखिए क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया और अभी मैं अपने ओल्ड अकाउंट में यहाँ पे आ चुका हूँ। तो गाइस ये आज की वीडियो में हमने बताया आपको किस तरीके से आप अकाउंट को ऐड कर सकते हो और स्विच कर सकते हो एक नंबर पर ही, किस तरीके से आप दो दो व्हाट्सएप को चला सकते हो और बिना किसी प्रॉब्लम के। अब मैं आपकी एक प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूँ, एक कन्फ्यूजन को भी दूर करने वाला हूँ, मतलब एक आपको जो इम्पोर्टेंट बात है बतानी ज़रूरी है। अभी जब आप अकाउंट को स्विच, अगर दूसरे अकाउंट को आप स्विच कर लेते हैं तो आपके जो ओल्ड अकाउंट के मैसेजेस हैं वो आपके नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब आपको आएंगे तो लेकिन वो दिखाएंगे नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि अभी आपने अकाउंट को स्विच नहीं किया। लेकिन आप जैसे ही अकाउंट को स्विच कर लेंगे तो वैसे ही आपको वो सारे मैसेजेस वापस से शो करने लग जाएंगे जो आपके मैसेजेस आपको किए थे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। और BTC टूल्स का वेबिनार है 29 अक्टूबर 2023 को, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लेना, BTC टूल्स को डाउनलोड कर लेना। अबाउट में इसमें लगा हुआ प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे BTC टूल्स तो वहाँ पर भी आ जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।